दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ आपने खाना ननन जी को क्यों दे दिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दिनेश मुझे मेरी सहेली के साथ बाजार जाना है। सारे काम निपटा दिए और खाना भी बना कर रख दिया। अब खाना खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही लौट आऊँ। इतना बोला आरती बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। दिनेश अक्सर काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और पूरा हफ्ता काम करने के बाद छुट्टी के दिन वह केवल आराम करना पसंद करते थे। घर परिवार की सारी आरती के सिर ही थी। उसे भी केवल रविवार का दिन ही मिलता था जब वह बाजार जाती थी और परिवार की जरूरतों को सामान लाती थी। आज रविवार था। आरती ने सभी के लिए खाना बना कर रख दिया। दाल सब्जी और चावल थोड़े ज़्यादा ही बना दिए थे। आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया था ताकि वापस आकर सबको गरम चपाती बना कर खिला सके। अब उसे दोपहर और रात के खाने की चिंता नहीं थी। शॉपिंग से जब भी आरती थक कर आती है तो खाना बनाने की हिम्मत उसमें नहीं रहती, इसलिए आज उसने समय से ही सारे काम निपटा दिए थे। कुछ ही समय में उसकी सहेली पूनम भी उसके घर आ गई और दोनों बाजार के लिए निकल ली। बाजार में दोनों जब भी साथ जाती थी तो हमेशा आरती थोड़ा जल्दबाजी में रहती थी, लेकिन वह थोड़ी निराश दिख रही थी। पूनम ने पूछा, क्या बात है आरती, आज तो तुम एकदम रिलैक्स्ड दिख रही हो, वरना तुम्हें तो जल्दी से शॉपिंग करके घर जाने की पड़ी रहती है। आरती हंसकर बोली, वह क्या है ना पूनम, आज मैं सारे काम निपटा कर आई हूँ। आज बाजार आना था इसलिए बच्चों को भी होमवर्क कल ही करवा दिया और खाना भी ज़्यादा बना कर आई हूँ ताकि घर जाकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दोनों ने शॉपिंग की और दोनों अपने अपने घर की ओर चल दी। आरती हंसती मुस्कुराती घर लौटी। थोड़ी थकान महसूस कर रही थी इसलिए सोचा रसोई में जाकर चाय बनाती। वो जैसे ही वह रसोई में गई देखा रसोई में सारा सामान फैला हुआ था और बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। ये सब देखते ही आरती के सिर में दर्द हो गया। वह हॉल में गई जहाँ उसके पति देव बैठे टीवी देख रहे थे और बोली, रसोई का ये हाल कैसे हो गया, मैं तो सारे बर्तन धोकर गई थी, अब एक भी बर्तन नहीं है और पूरी रसोई फैली हुई है। साई के बर्तन इधर उधर लुटके हुए और शेल्फ पर साई बिखरी हुई है। तभी आरती की सास भी आ गई और वह बोली, मैंने नीता को बुला लिया था, तू तो बाजार घूमने निकल गई थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था, वो आई थी तो खाना भी यही खाकर गई है, वैसे भी खाना ज़्यादा बना हुआ था, मैंने तो बसा हुआ खाना उसे पैक करके भी दे दिया ताकि उसे घर जाकर खाना ना बनाना पड़े। माँ जी मैं घूमने नहीं गई थी, घर के काम करने गई थी और खाना ज़्यादा बना कर गई थी ताकि वापस आकर मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब शॉपिंग से थक कर आई हूँ तो खाना कैसे बनाओ, और दिनेश आपको तो सब पता ही है, आपने कुछ क्यों नहीं कहा, एक बार रसोई में जाकर तो देखो कैसे बर्तनों का अंबार लगा है। अगर खाना खा लिया था तो बाद में रसोई को थोड़ा ठीक ठाक भी कर देते, सब ऐसे फैलाया हुआ है जैसे कोई नौकरानी आएगी और काम करेगी। तभी दिनेश बोला, ओ आरती इसमें इतना परेशान होने की बात क्या, इतनी
कितनी देर लगेगी खाना बनाने में, फिर से बना लेना, कब अक्ल आएगी? पति देव, आपको केवल दफ्तर का काम करके आप थक जाते और छुट्टी वाले दिन तो आप सोफे तक से नहीं उठते और मुझसे उम्मीद करते हैं कि पूरा हफ्ते सुबह 5 से रात के 11 बजे काम करूं और छुट्टी के दिन भी घर और बाहर के काम करूं, उसमें भी आपका बेरुखी भरा व्यवहार भी सहन करूं क्या? आपका कोई फर्ज नहीं घर के लिए? मैं अगर घर से बाहर किसी काम में व्यस्त हूं तो आप घर के काम में थोड़ी बहुत मदद क्यों नहीं कर सकते? जब तक कोई कहकर अपना हाल नहीं बताएगा या फिर आपको अपनी अहमियत का एहसास नहीं करवाएगा, तब तक क्या आपको कुछ समझ नहीं आएगा? और माँ जी, आप बेटी की इतनी चिंता था कि घर जाकर खाना कैसे बनाएगी और बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने कि वह बाजार से थक कर आएगी, वह खाना कैसे बनाएगी? थक गई हूँ मैं आप लोगों के इस बेरुखी भरे व्यवहार से। काश आप दोनों को मेरी हालत भी देखती, लेकिन शायद गलती मेरी ही है जो दिन रात काम करती रहती हूँ, इसलिए आप दोनों को मेरी कदर नहीं है। आज रात का खाना मुझसे नहीं बनेगा और ना ही मैं बर्तन साफ करूँगी। जिसने रायता फैलाया है वही समेटे। इतना बोल आरती कमरे में चली गई। सासू माँ बड़बड़ाती रही, दिनेश रसोई में गया तो पापा की रसोई की हालत वाकई बहुत खराब थी। वैसे तो वह अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन आज वह बोला, माँ क्या दीदी अपने घर में भी ऐसे ही रहती हैं? आप भी जानती थी ना कि आरती ज़्यादा खाना क्यों बनाकर गई हैं? फिर आपने नीता दीदी को बुलाकर सारा खाना क्यों दे दिया? फिर क्या हो गया? खाना ही तो दिया है और वह तेरी भी बहन ने बीवी की बातों में आकर कुछ। माँ, बात खाना देने की नहीं है, बात जानबूझकर अपनी बहू को परेशान करने और उसे तकलीफ देने की है। पूरी रसोई फैली हुई है, खाना खाया ठीक है, खाना पैक करके दिया वह भी ठीक है, लेकिन बर्तनों को तरीके से सीख में भी रखा जा सकता। सही के बर्तन भी इधर उधर फैले हुए, जरूरी नहीं कि बहू को परेशानी ही दी जाए। अब नतीजा देख लिया, हमेशा शुभ रहने वाली का आज मुंह खुल गया। ऐसे काम ही क्यों करने हैं जिसमें रिश्तों में फूट पड़े? खाना खाने के बाद आप लोग रसोई समेट देते तो सोसी आरती को कितना अच्छा लगता। मैंने पहले भी कई बार देखा है आप जानबूझकर ऐसे काम करती हैं जिनसे आरती को परेशानी हो। अब कल को आपकी बहू आपका सामान करना बंद कर दे तो उसे नहीं खुद के कोसना, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार आप खुद है। इतना वो दिनेश ने अपने दोस्त को फोन किया और काम वाली बाई को भेजने को कहा, क्योंकि उनकी अपनी बाई कई दिनों की छुट्टी पर गई हुई थी। काम वाली आई और उसने सारे बर्तन धोने के बाद खाना बनाया और फिर रसोई भी साफ कर दिया। आरती तब तक अपने कमरे में ही थी, रसोई से उसे बर्तनों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिनेश आरती के पास गया और बोला, चलो आरती खाना खा लो, हुई है कुछ गलती आगे से ध्यान रखूँगा। और तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे सीधा कहो, मैं भी अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। और जो काम तुम्हें सौंप कर मैं निश्चय हो गया था से वह सब काम करने की जिम्मेदारी भी लेता हूँ। माँ को भी समझा दिया, जो भी हुआ आगे से नहीं होगा। पति देव की बातें सुन आरती का दिल पिघल गया और वह रोती हुई पति के गले लग गई। दिनेश ने उसे शुभ करवाया। आरती को भी लगा कि उसने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया, उसने भी दिनेश से माफ़ी मांगी। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का वादा किया।